हेलो बेटा, वेलकम एवरीवन। बच्चों सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो बेटा, हम लोग आ गए हैं फिर से आप लोगों के बीच एक बहुत बेहतरीन सेशन लेकर के। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बच्चों से यही कहूंगा कि हमारा ये YouTube चैनल है अनअकैडमी 11th 12th, सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा जल्दी से। क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद द टैग #LiveSchoolDaily। ठीक है जी। और ये बेटा हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो बेटा दिस इज मी उमेश गर्ग। आई हैव 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र एंड आई हैव आल्सो क्वालिफाइड जेई एग्जाम। बेटा जी ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। जल्दी से आप लोग बेटा अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए livedaily.me/chat और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेटा इस ग्रुप पर आती रहती है। ये बेटा हमारे अनअकैडमी के फीचर्स हैं। आपको यहाँ पे लाइव क्लास मिलती है, यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, आपको लाइव पोल से लीडर बोर्ड मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है बेटा जी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये बेटा हमारे कोर्सेज हैं जो कि ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। अब बेटा मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि जल्दी से आप लोग जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें, प्रोफाइल बनाएं, सीबीएसई 11 पे क्लिक करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। बेटा जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका विंडो खुल जाएगा। इसमें देखो बेटा आपके प्लान्स लिखे हुए हैं एक से एक बेहतरीन। तो बेटा मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि आप लोग जो है अपना 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और रेफरल कोड यूज कीजिए उमेश लाइव, ताकि आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिले और आप लोग जो है पूरे साल भर तसल्ली से पढ़ाई कर सकें। ये बेटा हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हमने इस नए प्रोडक्ट में लॉन्च किए हैं, खास करके बेटा डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-on-1 सेशन हमने जो है शुरू किए हैं। ठीक है जी। तो बेटा इस प्रोडक्ट को भी, इस फीचर को भी अगर आपको परचेज करना है तो जल्दी से उमेश लाइव रेफरल कोड यूज करके अपना सब्सक्रिप्शन सिक्योर करो, पढ़ाई करो बेटा, लाइफ में आगे बढ़ो। तो डीपीपी नंबर 39 पहला सवाल स्टार्ट करें। बेहद आसान सवाल है, बहुत बेहतरीन सॉल्यूशंस बेटा हम लोग आज आपको सेशन में देने वाले हैं। इलिप्स का बहुत फंडामेंटल सेशन, समझ रहे हो ना, कि भी बेसिक बेसिक बातों को यूज करते हुए इलिप्स के जो सेशन बन सकते हैं बेटा वो हम लोग आज बनाएंगे, उनको सोल्व करेंगे। तो सभी लोगों से यही कहेंगे कि जल्दी से जुड़ जाएं सेशन पे, और सेशन पे आते ही बेटा सेशन पे लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंचे। ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के आऊंगा। इज इक्वल टू 400, तो डिवाइड करेंगे 400 से, तो 16x² / 400 + 25y² / 400 = 1। बेटा ये 16 से कैंसिल करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका x² / 25 + ये आ जाएगा आपका y² / 16 = 1। ठीक है जी। अब देखो बेटा हमसे पूछी गई है इसेंट्रिसिटी, तो ई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 - b² / a² तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - b² / a² 16/25, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 9/25। तो यहां से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बेटा आ जाएगी इस इलिप्स के लिए 3/5। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा जी C4 कैलकटा। सभी बच्चों को तसल्ली से क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये सवाल जो है समझ में आना चाहिए। ठीक है। चलिए 2 मिनट का समय देता हूं, स्टार्ट करो सोल्व करना, चैट में आंसर करो बेटा और पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े रहो। ठीक है।
हम लोग जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल लेकर के आते हैं। चलिए बेटा जी, चलिए सभी लोग तसल्ली से जुड़े रहें, सवालों को सोल्व करें। चलिए बेटा चलिए, इफ एनी टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन इंटरसेप्ट लेंथ एच एंड के ऑन द एक्सिस, तो बेटा आपको एच और के में ये रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा। अच्छा सवाल है। फिगर बनाओ बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर सवाल का एक ही रास्ता है सॉल्यूशन का, फिगर बनाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये बेटा हमारे पास एक इलिप्स है, ये एक स्टैंडर्ड इलिप्स है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस इलिप्स के जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या क्या आ जाएंगे, देखो यहां से आ जाएंगे ए कोमा जीरो माइनस ए कोमा जीरो, जीरो कोमा बी माइनस जीरो कोमा माइनस बी। अब बेटा इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट मान लिया और ये पॉइंट जो है ये इस पर टेंजेंट बनेगा। ये पॉइंट है बेटा क्या, ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा, ये पॉइंट। यहां से टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी बेटा आपकी, एक्स बाई ए कोस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू वन। अब देखो बेटा सीधी सी बात है, अब हमें अगर एच और के की वैल्यू निकालनी है तो ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एच कोमा जीरो और ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जीरो कोमा के। तो एच की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी क्या, ए बाई कोस थीटा, क्योंकि वाई को जीरो रखेंगे तो जो एच आएगा वो ए बाई कोस थीटा आएगा। के की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या आपकी, बी बाय साइन थीटा। अब हमें थीटा को एलिमिनेट करना है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी, ए बाई एच। साइन थीटा की वैल्यू बेटा आपकी क्या आ जाएगी, बी बाई के। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आपका ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन। कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या आएगा बेटा आपका, बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू वन। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। क्या ये बात सभी बच्चों को तसल्ली से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ रही है? ठीक है, देखो बेटा बहुत अच्छे अच्छे सवाल और उससे भी ज्यादा बेहतरीन सॉल्यूशन हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं तो सभी बच्चों से कहूंगा कि पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े रहो, सवालों को सोल्व करते रहो, चैट में आंसर करते रहो। ठीक है बेटा जी, बहुत बेसिक बेसिक बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे और जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आईआईटी जेई के लिए। चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चन रीड करें, आंसर करें। चलिए बेटा चलिए, चलिए बेटा स्टार्ट करो। अब देखो बेटा ये रहा आपका इलिप्स, इस इलिप्स के ऊपर हमें दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है जी, ये आपके परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, इस पॉइंट को P मान लिया, तो P इट विल लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल। भी ये तो मैंने पढ़ाया ना आपको कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस जो है
डायरेक्टर सर्कल आता है, तो आपके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16 41। तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकटा, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गई बात सभी बच्चों को तसल्ली से समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिनट का समय, स्टार्ट करो मेरे प्यारे बेटा। स्टैंडर्ड सवाल, बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल, इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। बस फर्क क्या है कि इलिप्स जो है शिफ्टेड है, इतना सा फर्क। जितने भी लोग सेशन पे आए हुए हैं वो पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े रहे, सेशन पे लाइक और शेयर करते रहो बेटा, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े रहो और सवालों को सॉल्व करते रहो। आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे सवाल और उससे भी ज्यादा बेहतरीन सॉल्यूशन हम लोग बेटा इस सेशन पर लेकर के आते हैं, ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज सेंटर इज -2, 3 एंड हुज सेमी एक्सिस आर 3 एंड 2, मतलब मेजर एक्सिस 3 है, माइनर एक्सिस 2 है, और मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस से के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। पहले एक रफ फिगर बनाएं, उसके बाद आप जो है अपना इक्वेशन लिखें। चलिए, तो मैंने कहा ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, -2, 3 सेंटर वाला ये जो इलिप्स है उसकी एक रफ सी फिगर बेटा ये आ जाएगी, ठीक है जी। उसका मेजर एक्सिस का लेंथ 3 है, माइनर एक्सिस का लेंथ 2 है, ठीक है जी। सेंटर बेटा कितना है आपका, -2, 3। तो ये ए का वैल्यू 3 आ गया, बी का वैल्यू 2 आ गया। इलिप्स की इक्वेशन लिखी जाएगी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो याद आ जाएगा, देखो बेटा आपका 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 81 माइनस 54y माइनस 36 इक्वल टू 0। इतना सॉल्यूशन सभी को क्लियर है मेरे प्यारे बेटा जी। अच्छा, अब x के टर्म्स को पहले लिखा 4x स्क्वायर प्लस 16x, फिर y के टर्म्स को लिखा 9y स्क्वायर माइनस 54y, फिर ये आएगा आपका 797 माइनस 36, तो प्लस 61 इक्वल टू 0। ये बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो जाएगी जो कि इस क्वेश्चन ने हमसे पूछी है, ठीक है जी। तो आपका प्लस 16x माइनस 54y, तो प्लस 16x माइनस 54y, तो आंसर विल कम आउट टू बी सी फॉर कलकत्ता। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे बच्चों को तसल्ली से क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये वाला सॉल्यूशन समझ में आ गया है। चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा, बहुत कुछ सीखोगे इस सवाल से। 2 मिनट का समय, स्टार्ट करो, सॉल्व करना शुरू करो। चलिए बेटा जी, चलिए चलिए बेटा, चलिए स्टार्ट कीजिए। पहले इस इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, तो वो आएगी एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1। एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो मैंने
एक रफ सा स्ट्रक्चर बना दिया और मैंने कहा इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा सच दैट ये जो डिस्टेंस है बेटा आपका ओ ए, ये डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है टू, तो ओ ए कितना आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर, ए स्क्वायर कितना बेटा आपका सिक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर, सिक्स को लिख सकते हैं बेटा फोर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर। अब यहां से बेटा टू कॉमन ले लेंगे तो फोर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉमन लेके कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन आ जाएगा, यहां से फोर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी फोर माइनस टू टू आ जाएगी, तो कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा आपका यहां से वन बाय टू, तो कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बेटा वन बाय रूट टू या माइनस वन बाय रूट टू, तो थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी पाई बाई फोर या फिर थ्री पाई बाई फोर। तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा ए फोर आगरा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर तरीके से आसानी से सबको समझ में आनी चाहिए? और देखो बेटा मैंने बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है, एक एक स्टेप एक एक बात मैंने डिस्कस करी है। चलिए बेटा चलिए स्टार्ट करें, दो मिनट का समय है, अच्छा सवाल है, स्टार्ट करो सॉल्व करना शुरू करो, चैट में आंसर करो बेटा जी। चलिए चलिए स्टार्ट कीजिए। करो भी करो स्टार्ट करो मामला। अब देखो बेटा हमें ये पता नहीं है कि वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो मैंने मान लिया लेट इलिप्स की इक्वेशन जो है वो ये है, अच्छा अब उसने कहा है कि हुज माइनर एक्सिस क्या होता है 2b इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, तो वो कितना आ जाएगा आपका 2ae, तो हम लोग 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो बेटा आपका क्या आ जाएगा यहां से b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका टू बी स्क्वायर। पहली चीज तो ये रिलेशन जो काम आएगा। अच्छा लेटेस्ट रेक्टम एल आर की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है टू, तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए ये हमें कितना दिया गया है टेंथ, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी ए स्क्वायर बाय टू ए इज इक्वल टू टेन, टू से टू कैंसिल ए से ए कैंसिल, तो बेटा आपकी a की वैल्यू 10 आ जाएगी, a की वैल्यू को 10 रखोगे तो बेटा आपका b स्क्वायर कितना आ जाएगा 50। आ गई बात समझ? तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय 100 प्लस y स्क्वायर बाय 50 इक्वल टू 1, तो बेटा आपका x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो बेटा इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बेटा जी डी फॉर दिल्ली। क्या ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गई है? चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल शुरू करें। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इलिप्स की डेफिनेशन का फंडामेंटल सवाल, शुरू करें बेटा मामला।
चलिए बेटा सॉल्व करें, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े रहें, चैट में आंसर करें, सीधी सी बात है। सबसे पहली बात तो ये ऑब्जर्व करनी है कि ये जो इलिप्स है ये एक वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है ना। देखो बेटा ये जो है आपका, ये आपका एक वर्टिकल इलिप्स है। अच्छा जी, अब इस वर्टिकल इलिप्स के अंदर मुझे ये समझ में आना चाहिए कि बी की वैल्यू बेटा क्या है आपकी 4, ए की वैल्यू बेटा क्या है आपकी 2√5। अच्छा क्वेश्चन ने कहा है कि पी इसके ऊपर एक कोई पॉइंट है, ये आपका एस है, ये आपका एस डैश, ये आपका एस है, ये आपका एस डैश, तो पी एस प्लस पी एस डैश, PS प्लस PS डैश की पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम जो है बेटा वो कितना आ जाता है आपका 2a आ जाता है। तो यहां से हमारा PS प्लस PS डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a की वैल्यू क्या है 2√5, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 4√5। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा जी बी फॉर बॉम्बे। आ रही है क्या ये वाली बात मेरे सभी प्यारे बच्चों को तसल्ली से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में? आसान सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन इसको बोलते हैं ना बेटा, हो दिया मैंने आपको ये, मतलब ये दो तीन सवाल बिल्कुल फंडामेंटल सवाल है, एक एक मिनट के सवाल है, एक्चुअली दो मिनट तो नहीं मिलने चाहिए इन सवालों के लिए। जल्दी जल्दी सोल्व करो बस, समझ पा रहे हैं ना बात को, जल्दी से सॉल्व करें। देखो बड़ा वर्टिकल इलिप्स है ना, ये तो आसान सवाल है यार, ये आपका वर्टिकल इलिप्स है, तो एक बार बना लेते हैं। ये रहा बेटा आपका वर्टिकल इलिप्स, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर ई स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 5/9, ई की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपकी √5/3। तो ये आपकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। अच्छा फिर सवाल ने क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कितना आएगा आपका 2a/e, ठीक है जी। तो बेटा 2a कितना आ जाएगा आपका, a की वैल्यू है बेटा 2/e की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी √5/3, तो 2 × 4 = 12 डिवाइड बाय √5, 12 डिवाइड बाय √5 आपका हो जाएगा आंसर। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर जेली। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। दो मिनट का समय, चलिए बेटा करिए, बेटा करिए, ट्राई करिए। चलिए चलिए स्टार्ट करो, सोल्व करना शुरू करो और चैट में आंसर करो बेटा जी। चलिए बेटा
क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। F1 दिया गया है 0.0, F2 दिया गया है ये, और बेटा आपको PF1 प्लस PF2 दिया गया है 10। अब देखो यार सीधी सी बात है, F1 फोकस है, F2 फोकस है, F1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0.0, F2 के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 3.4, और यहां से मुझे समझ में आता है कि आपका F1 F2 जो है कितना आ जाएगा 5, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अच्छा अब हमें पता है कि PF1 प्लस PF2 क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है, 10 दिया है। अच्छा जी अब सिंपल सी बात है, मेरे पास ये पॉइंट है P, अब यहां पर देखो PF1 प्लस PF2 कॉन्स्टेंट है, पहली बात तो ये कॉन्स्टेंट होने के साथ साथ ये अगर F1 F2 से बड़ा है तो ये कंफर्म हो गया कि ये ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा तो P का लोकस कंफर्म हो गया कि वो क्या आएगा, P का लोकस एक एलिप्स आएगा। आ रही है बात क्या मेरे सभी प्यारे बच्चों को, ये बात समझ में? चलिए बेटा नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट तो बहुत इजी सवाल है यार, बड़े ही आराम से सोल्व हो जाना चाहिए। चलिए चलिए स्टार्ट करें, सोल्व करना शुरू करें। चलिए बेटा जी बहुत प्यारे सवाल, पॉजिटिव सवाल। इसेंट्रिसिटी यार बहुत आसान सवाल है यार, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 7 इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड वेव्स लिख लिया तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 7 बाई 16, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 9 बाई 16, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/4, तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकटा। आ रही है ये बात क्या मेरे सभी ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करो। यार इतना आसान सवाल यार, देखो एरिया ऑफ इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है पाई ए बी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, तो बस 20 पाई इज द एरिया। ये तो बिल्कुल मतलब 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन था। अब ये स्टार्ट करें, ये अच्छा सवाल है, ये सवाल प्यारा है, स्टार्ट करो। सवाल को शुरू करो, सॉल्व करना, चैट में आंसर करो, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े रहो ठीक है बेटा जी। हाँ अब देखो एच कोमा के इस पे लाई करता है तो आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा यहां से 3h प्लस 2 कोमा के, ये जो एक्सप्रेशन है बेटा ये आपका a कोमा b के इक्वल आएगा,
3H plus 2 की वैल्यू a आ जाएगी, तो यहां से H की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस टू बाय थ्री, और K की वैल्यू B आ जाएगी। अब H कोमा K जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा a माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट इलिप्स, एन इलिप्स, सही बात है ना। तो ए कोमा, ये जो पॉइंट है इसी को मैंने ए कोमा बी माना ना, दिस पॉइंट विल लाई ऑन अ इलिप्स, या लोकस ऑफ दिस पॉइंट विल बी एन इलिप्स। चलिए स्टार्ट कीजिए, बहुत प्यारा सवाल, अच्छा सवाल है, मजा आया करके सवाल। 2 मिनट का समय, स्टार्ट करें सॉल्व करना, शुरू करें मेरे प्यारे बच्चे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जोश के साथ। चलिए बेटा चलिए, चलिए बेटा जी शुरू करें मामला। अब देखो यार, सीधी सी बात है, डायरेक्ट्रिक्स आपकी एक्स इक्वल टू 4 है ना, अगर डायरेक्ट्रिक्स ऐसी है तो इलिप्स कुछ ऐसा ही होगा, फोकस भी एक्स एक्सिस पर है, दोनों बातें दी हुई हैं। अच्छा फोकस आपको पता है कि ए कोमा 0 होते हैं, तो आपको यहां से ए की वैल्यू 1 मिल गई। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि इसेंट्रिसिटी इस इक्वेशन के फैक्टर्स में से एक है, चलो जी फैक्टराइज करते हैं इसको। तो 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन लेंगे कितना आएगा आपका, x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 कॉमन लेंगे इंटू में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आएगी या हाफ आएगी, 1 आपका रिजेक्टेड हाफ आपका एक्सेप्टेड, तो ये क्योंकि इसेंट्रिसिटी इलिप्स की 1 से छोटी ही होगी तो आपका हाफ एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 1 है, यहां से ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा जी अब इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इलिप्स के केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4 माइनस बी स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू 3, तो बेटा आपकी इलिप्स की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। आंसर आ जाएगा ए फॉर आगरा। बहुत क्लियर सवाल, बहुत आसान सवाल, उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराबोला का सवाल है, एक दो सवाल पैराबोला के भी कर लेते हैं, वो भी जरूरी है, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है, बड़े आराम से हो जाएगा, स्टार्ट करो सोल्व करना। चलिए बेटा चलिए, स्टार्ट करें तसल्ली से, पॉजिटिविटी के साथ, जोश के साथ। एफ बी इज अ फोकल कोण ऑफ दिस पैराबोला, AF दिया है, FB दिया है, लेटर सेक्टम पूछा है, फिगर बनाओ। प्रॉपर्टी होती है कि सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड आर इन एचपी विद द सेमी लेटर रेक्टम,
देखो बेटा, ये आपका फोकस है, मतलब फोकल कोड है ए बी, और ये आपका एफ है फोकस। अब हमें पता है कि 1/AF प्लस 1/BF है ना, ए एफ और बी एफ ही दिया वहां, इज इक्वल टू 1/A होता है कि आपका सेगमेंट्स ऑफ फोकल कोड आर इन एचपी विद द सेमी लेटेस्ट रेक्टम। तो यहां से आपका 1/4 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/A, तो यहां से 9/20 इज इक्वल टू 1/A, ए की वैल्यू बेटा 20/9 आ जाएगी। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला होता है 4A, तो वो 80/9 आ जाएगा। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा A4 आगरा। आसान सवाल, ब्यूटीफुल तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 2 मिनट का समय मेरे प्यारे बच्चों को। बहुत अच्छा सवाल है ये। नॉर्मल एट ए पॉइंट वेर एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। एक ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल है, वही नॉर्मल पैराबोला को दोबारा मीट करता है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ये सवाल करिए। करिए स्टार्ट करिए। हाँ चलिए बेटा, चलिए फिगर बनाता हूं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, स्टैंडर्ड पैराबोला। इस पैराबोला के किसी पॉइंट पर एक लाइन नॉर्मल P पर नॉर्मल Q पे द्वारा मीट करती है। P के पैरामीटर ले लिए AT², 2AD। क्वेश्चन ने कहा है एब्सिसा इक्वल टू ऑर्डिनेट। AT² इक्वल टू 2AT, टी से टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, टी की वैल्यू 2 आ गई। इसको मैं T1 ले लेता हूं आप लोगों के लिए। अब हमें नॉर्मल में प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई लाइन T1 पैरामीटर पर नॉर्मल है और वो दोबारा कट करती है T2 पॉइंट पर, तो T2 के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -T1 -2/T1। तो -2 -2/2, तो यहां से T2 की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, AT², 2AT2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A कितना आपका 2, -3 का स्क्वायर 9, 2 × 2 × -3। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 18, -12। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। क्या ये बात मेरे सभी प्यारे बच्चों को तसल्ली से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ रही है। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। बेटा मैथ्स की क्लास जो है डेली शाम को 4 से 5 होती है। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से आप लोग डेली सेशन पे आएं, अच्छे अच्छे सवाल सोल्व करें, अपना भविष्य बनाएं। ठीक है बेटा, अब ये एक नया फीचर बेटा हमने अनअकैडमी पर लॉन्च किया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो बेटा, अनअकैडमी पर ना ज्ञान का एक अथाह सागर है, ठीक है। तो उसको ग्रैब करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए आपको बहुत सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो, प्रोफाइल बनाओ, उस प्रोफाइल से बेटा फिर आपको लॉगिन करना है, और बेटा फिर आप मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशल नाम से, ठीक है। उस स्पेशल नाम, उस स्पेशल बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो बेटा वो आपसे एक इनवाइट कोड पूछेगा। तो अगर आप इनवाइट कोड उमेश लाइव यूज करते हैं तो आपके लिए बेटा वो जो अथाह सागर जो है ज्ञान का वो खुल जाएगा। आप जितने चाहें उतने क्वेश्चंस, उतने प्रैक्टिस सेशन, उतने थ्योरी के सेशन, रिवीजन सेशन,
सारे के सारे सेशन आप जो है अपने एक्सेस कर सकते हैं। तो इनवाइट कोड नहीं भूलना है, इनवाइट कोड यूज करना है उमेश लाइव, ठीक है जी। चलिए बेटा, तो और ऑब्वियसली सभी बच्चों से मेरा आखिरी में यही कहना है कि जल्दी से उमेश लाइव रेफरल कोड यूज करके अपना सब्सक्रिप्शन लो अनअकैडमी का। यार पढ़ाई करो, मेहनत करो, लाइफ में आगे बढ़ो बेटा जी। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get 10% discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates. Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get 10% discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates. Now learn.